जानिए कैसी है टोटल धमाल। अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, ईशा गुप्ता, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी सहित अन्य मल्टी कलाकारों से सजी फिल्म टोटल धमाल 22 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है। यह फिल्म धमाल सीरीज की तीसरी फिल्म है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं इस फिल्म की आखिर स्टोरी क्या है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी टोटल धमाल में बॉलीवुड की सभी कलाकार 50 करोड़ का बैग ढूंढते दिखाई देंगे। पैसों का लालच इन कलाकारों को कई बड़ी मुसीबतों में भी डालता है। फिल्म में सबसे बड़ा राज यह है कि किस कलाकार की टीम अंत में 50 करोड़ का बैग पाने में कामयाब होती है। कॉमेडी और रोमांस का तड़का लगाती हुई टोटल धमाल फिल्म दर्शकों को काफी गुदगुदाती है। पहले हाफ में फिल्म आपको थोड़ा बोर जरूर कर देगी, लेकिन फिर फिल्म में रोमांस उस वक्त आता है जब एक व्यक्ति कई लोगों के सामने 50 करोड़ के बारे में बताता है। इसके बाद सभी यह निर्णय लेते हैं कि जो पहले जनकपुर पहुंचेगा 50 करोड़ उसके हो जाएंगे। चार टीमों में बटे इन लोगों के बीच में काफी घमासान होता है कि लास्ट में जनकपुर कौन पहुंचेगा। जनकपुर पहुंचकर पैसा लूटने की लालच में सभी अपनी जिंदगी को ही मुसीबत में डालते हैं। इस बड़ी मुश्किल की घड़ी में किस तरह कॉमेडी का तड़का लगता है यह भी फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में ऐसे कई मौके आते हैं जब आप हंसने को मजबूर हो जाते हैं। फिल्म के गाने भी काफी अच्छे हैं जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। आपको बता दें कि टोटल धमाल सीरीज की तीसरी फिल्म है। फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा का जो रोल पहले था वो वैसा ही है। फिल्म में माधुरी और ईशा गुप्ता की नई एंट्री हुई है। अब सभी कलाकारों की एक्टिंग और कॉमेडी को देखते हुए टोटल धमाल को हमारी तरफ से 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। फिल्म के पहला और दूसरा पार्ट काफी हिट रहा था। अब देखना होगा कि टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।